बच्चा जैसा मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कराते चलूंगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ए बी का वैल्यू पता है, ए सी का वैल्यू पता है, बी डी का वैल्यू एक्स दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा हुआ है सर, डी सी पूछा है क्या? यहाँ पर क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि आपको एक्स पूछा हुआ है। एक्स का मतलब क्या पूछ रहा है सर आपसे, बी और डी का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ से आप क्या लिख लोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब सर आपने ट्राइंगल ए बी सी क्यों लिया, इसलिए लिया बच्चा क्योंकि मुझे ये दोनों लेंथ पता है, बी और सी नहीं पता है। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस भैया, यानी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है सर, अब यहाँ पर ये बताइए कि आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा। तो ये जो आपका बी सी आएगा बच्चा, ये होगा हाइपोटेनस। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि फोर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि थ्री स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9। तो बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 25। एंड बी सी की वैल्यू कितनी आ गई सर, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब बी सी टोटल कितना आ गया, तो टोटल आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। अभी बताओ जब टोटल 5 सेंटीमीटर है, ये एक्स सेंटीमीटर या एक्स आपको फाइंड करना है, तो डी सी कितना हो जाएगा, तो डी सी आपका 5 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या टोटल में से इसको माइनस कर दोगे तो ये वाला साइड निकल जाएगा, इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि अब हम किस ट्राइंगल किस साइड की बात करेंगे, हमें ये पता है ये पता है। तो हम निकाल लेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी, फिर से पाइथागोरस जी को याद किया जाए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। अब यहाँ पर ये क्या हो गया 90 डिग्री, तो हाइपोटेनस यानी कि ए सी स्क्वायर, हाइपोटेनस यानी कि ए सी स्क्वायर है ना, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अब ए डी स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है सर, ए डी स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है। प्लस क्या आ गया सर, सी डी स्क्वायर या डी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कितनी दी हुई, 3 स्क्वायर, तो आप लिख दो 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी का मतलब कितना हो जाएगा सर, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। इस साइड लेते आओ, जैसा पिछले क्वेश्चन में आपने किया था इक्वेशन बना के, ए डी वहाँ भी था, ए डी यहाँ भी है, तो क्या कर दो इस तरीके से इक्वेशन बना लीजिए, और इसको क्या कर लीजिए, इक्वेशन 1 नाम दे दो, इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। अब किस ट्राइंगल की बात करोगे, तो अब लिखोगे नाउ इन ट्राइंगल, अब किस ट्राइंगल की बात करोगे, ए डी सी की बात कर लो ना, ए डी सी किया था क्या हमने, अब ट्राइंगल ए डी बी की बात कर लीजिए या ट्राइंगल ए बी डी की बात कर लो। फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करिए, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो क्या हो गया, तो हाइपोटेनस स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यहाँ भी आपको ए डी फाइंड करना है, तो चलो ए बी का वैल्यू कितना है सर, 4 स्क्वायर प्लस सर मुझे ए डी फाइंड करना है प्लस बी डी स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, बी डी का वैल्यू एक्स दिया है तो यहाँ पर आप कर लेंगे एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लो बच्चा, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 4 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आपने क्या मान लिया, इक्वेशन सेकंड। अब ए डी स्क्वायर यहाँ भी है, ए डी स्क्वायर यहाँ भी है, साथ में बैठा दो, कंपेरिजन करा दो, काम बन जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे नाउ ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है सर, आओ सॉरी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 5 टू जा 10x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आराम से वैल्यू आपका फेंक देगा। तो 9 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर इधर भी है, माइनस एक्स स्क्वायर इधर भी है, कैंसिल आउट हो गया। 25 में 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 25 में 9 जाएगा बच्चा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 16 प्लस 10x इज इक्वल्स टू 16। माइनस 16 उधर जाकर के प्लस बन जाएगा, तो 10x इज इक्वल्स टू 16 प्लस 16, एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर, 32 अपॉन 10। आंसर कितना हो जाएगा, 3.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, और ये कितना आ गया बच्चा, ये आपका आ गया 3.2 सेंटीमीटर। अब क्योंकि आपको डी सी नहीं पूछा हुआ है, डी सी नहीं पूछा, बट अगर निकालना होता तो क्या करते, एक्स की जगह पर 3.2 रख दो, तो 5 माइनस एक्स ये है नहीं सॉल्यूशन में, आपको करना भी नहीं, मैं बस बता रहा हूँ। तो एक्स की जगह पर क्या रख दो, 3.2 रख दो, सॉल्व कर दोगे तो आपका सी डी का भी आंसर आ जाएगा, बट क्योंकि आपसे बी डी पूछा है तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको इंपॉर्टेंट मानिए और पढ़िए। चलिए इसको इरेज करते हैं।